जलदाय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। जलदाय विभाग को आवश्यक सेवाओं से मुक्त करने पर जताया विरोध। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक। फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबद्ध राजस्थान PHED तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को जलदाय कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र स्वरूप माथुर ने बताया कि जलदाय कर्मचारियों ने कोरोना काल में लगातार जल वितरण की व्यवस्थाओं को संभाले रखा, कहीं भी यह कार्य प्रभावित नहीं होने दिया गया। बावजूद इसके राज्य सरकार ने PHED को इमरजेंसी सेवाओं में शामिल नहीं किया है, जबकि जल वितरण भी आवश्यक सेवाओं में आता है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसका समस्त कर्मचारी संगठन विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में अभी भी राज्य कर्मचारियों के मासिक वेतन में से एक दिन के वेतन की कटौती की जा रही है, जिसे लेकर भी कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसे यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जलदाय कर्मचारी भी आंदोलन पर उतारू होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज हम सब जलदाय विभाग कर्मचारी PHED तकनीकी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आए हैं और हमारी राज्य सरकार ने जो वेतन कटौती करी है उसके हम विरोध करने आए हैं। जलदाय विभाग कर्मचारियों ने रात दिन कोरोना में खूब लॉकडाउन में काम किया, रात दिन सेवा करी, किसी को पानी की तकलीफ नहीं आने दी, फिर भी सरकार द्वारा इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं लेते हुए इनकी वेतन कटौती का कार्य कराया और विभाग को जिन्होंने सेवाएं दी थी उनको तो छोड़ दिया, उस हाथ में ले लिया और हमारे को भी हटा दिया कि भाई आपके से ये कटौती की जाएगी। हम सरकार को ज्ञापन द्वारा कराना चाहते हैं कलेक्टर के मार्फत कि भाई ये कटौती न करके हमारे को भी वो राहत दी जावे जो और विभाग को दिए जा रही है, इसलिए सर ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक इन्होंने कभी जलदाय विभाग को इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट को नहीं माना कभी भी, इसी विरोध इसी को सम्मान हमारे जिन्होंने रात दिन सेवा करी है उसको सम्मान दिया जावे। जिला अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप माथुर।